हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा मोबाइल ख़राब था दो चार दिन से, तो मैंने काफ़ी वीडियो नहीं बनाई थी। कम से कम चार पाँच दिन हो गए, तो मोबाइल मेरा काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई और मैंने दूसरा मोबाइल खरीद कर वीडियो बनाई। उस मोबाइल पर दो बार हो गया, बार बार मोबाइल ख़राब हो जाता है, दो बार स्क्रीन डला चुकी। मोबाइल के 1500-1500 रुपये लग गए उस पर, अब मोबाइल ही नहीं सही हो रहा। बहुत परेशान हो गए इस मोबाइल से। 3000 रुपये लगा चुके, 3100 रुपये लगा चुके। 80 रुपये का तो ग्लास डलाया था, 3000 रुपये धीरे धीरे दो बार करके 1500-1500 रुपये, और 100 रुपये की स्क्रीन डलवाई, 3000 रुपये दो बार लगा चुके हैं। 1500-1500 रुपये करके दो बार लगा चुकी, फिर भी मोबाइल सही नहीं हुआ। ज़रा सा हल्का सा ही नीचे गिर गया, बच्चे से गिर गया, चिड़िया रानी क्या देख रहा था बच्चा मोबाइल पर, गिर गया तो मोबाइल की स्क्रीन चली गई। और ऐसे एक बार और चली गई थी तो उसमें डला है, 1500 रुपये लगे, और फिर दोबारा चली गिर गई तो फिर 1500 रुपये लगा लग रहे हैं। तो अब इस बार तिबारा अभी गिरा, तो मैंने कहा अभी सुधराएंगे नहीं। इसमें 10 दिन के अंदर दो बार मोबाइल ख़राब हो चुका, और दुकान वाले से कहा तो वो कहता है मैं सुधार दूँगा, बस पैसा चाहिए। तो मैंने कहा अब हम नहीं सुधरा रहे, इससे बढ़िया तो नया ही मोबाइल 3000 का किस्त में तो मोबाइल ही खरीद लो नया। तो फिर मैंने 3000 रुपये जमा करके फिर दूसरा मोबाइल ले लिया। हमने कहा किस्त तो धीरे धीरे भरते ही रहेंगे, मोबाइल खरीदने ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते हैं और रात के आया करते 11-12 बज जाते हैं, गेट खुलना रहता है नीचे, क्योंकि ऊपर रहते हैं नीचे गेट खुलना रहता है। मकान मालिक तो मेरे सो जाते हैं, वो भैया उन्होंने बोला उनको तो वो मेरे हस्बैंड को ताके थोड़ी ना बैठे रहेंगे, खोलना तो मेरे को ही गेट पड़ेगा। तो मैंने सोचा छोटा मोबाइल ले रही हूँ तो इससे अच्छा मोबाइल बड़ा सा ही ले लूँ। मोबाइल ले रही हूँ तो किस्त में ले लूँ मोबाइल, धीरे धीरे ऐसे क्या नाम है धीरे धीरे से पैसे अदा करती रहूँगी, महीने में देती रहूँगी किस्त, सही रहेगा। इस वजह से मैंने फिर मोबाइल ले लिया बड़ा सा। सब काफ़ी लोगों ने टोका किया कि मैं इतना बड़ा वाला मोबाइल ले लिया, छोटा ही वाला मोबाइल ले लिया, तो मैं काम चलाना था। तो मैंने कहा यार मेरा यूट्यूब का नशा हो गया, यूट्यूब बनाने की आदत पड़ गई, मैं वीडियो बनाऊंगी। इस वजह से मैंने बड़ा मोबाइल ले लिया, धीरे धीरे करके पैसे दे देंगे, क्योंकि इकट्ठे लेने के देखो मेरी हैसियत नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके पैसे चुका दूँगी, धीरे धीरे अदा हो जाएंगे पैसे। आज तक हो गया जब से मेरी शादी हुई, मैंने कभी भी मोबाइल नहीं खरीदा। मेरा बड़ा मन था मोबाइल ख़रीदने के लिए, अपने बहुत ज़्यादा मन था कि मोबाइल मैं खरीदूँगी, मैं एंड्रॉइड मोबाइल खरीदूँगी। मेरे हस्बैंड लिवा नहीं रहे थे, कह रहे थे कि मोबाइल नहीं लिवाना, मोबाइल ले लिया। मेरे हस्बैंड लिवा नहीं रहे थे, कहते छोटा मोबाइल लिवा। मैंने कहा नहीं, मेरा मोबाइल लेने के बहुत मन है, धीरे धीरे तुम अपना किस्त में देते रहना पैसे, हम मोबाइल लेंगे। तो कह रहे अच्छा ले लो, मना नहीं किया था, कह रहे थे ले लो, तो मैंने मोबाइल ले लिया। और काफ़ी लोगों का मेरे को सुनने आया, मेरे मोहल्ले वाले पड़ोसी जो मेरे गाँव के पड़ोसी हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों से बोला कि अमिता वीडियो बना रही है। अरे अब वो पड़ोसी ससुराल वाले को छोड़ो, अब ससुराल वाले शांत हो गए तो पड़ोसी तैयार हो गए बोलने के लिए। मतलब कोई ना कोई मेरे को चाहिए बोलने के लिए कि अमिता वीडियो बना रही है, अमिता वीडियो क्यों बना रही है। उसको समझाता नहीं है कोई कि क्या वीडियो बनाती रहती है, मतलब ऐसा कहना काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला कि अमिता वीडियो क्यों बना रही हो, देखो तुम्हें सुनने को ऐसे मिल रहा है जैसे मैं कोई गलत कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। एक दो लोगों ने मेरे से बोला भी कि अमिता क्या वीडियो बना रही हो क्या। मेरे को काफ़ी लोगों से सुनने को मिला है मोहल्ले वाले ऐसे बोल रहे हैं कि अमृता वीडियो बना रही है क्या। मैं मोहल्ले वालों को कहने से चलूँगी, मोहल्ले वाले कहेंगे कि अमृता यहाँ बैठो तो यहाँ बैठेंगी, या मैं मेरे कहने से मोहल्ले वाले चलते हैं क्या, जो मैं उनके कहने से चलूँ, उनके कहने से वीडियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ। मतलब कभी भी कोई भी काम करूँ तो पता नहीं कोई ना कोई, मतलब घर वाले रोकेंगे टोकेंगे नहीं, मोहल्ले वाले रोकेंगे टोकेंगे, पता नहीं क्या रीज़न है, क्या मकसद है इन लोगों का। अपने घर परिवार को नहीं देखेंगे जाके, अपने घर परिवार को ताके जाके देखे जाके कि उनके घर परिवार में क्या चल रहा है। मेरे घर परिवार को और मेरे घर परिवार में ससुराल वालों को देखे जाके, मेरे ससुर बीमार पड़े हैं तब तो कोई देखने नहीं आएगा कि क्या कर रही क्या नहीं कर रहे, तब तो बोलेंगे कि हाँ लड़का बहू को बुलाओ, लड़का बहू को बुलाओ, उनके लड़का बहू हैं वो करे आके कुछ करे आके जो भी सेवा है, तभी इसमें लड़का बहू आ जाएंगे। और वैसे अगर बहू वैसे लड़का बहू कुछ करे तब उनको बहू को टोका जाएगा कि बहू ऐसा कर रही है वैसा कर रही है कुछ भी कर रही है, जाने क्या बुरा कर रहे हैं, जाने क्या मोहल्ले वाले को मतलब पड़ी है। एक खास तौर से वीडियो तो मैंने सोचा कि मोहल्ले वालों के लिए ही बनाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला। अभी तक ससुराल वाले में मेरे देवर ने परेशान कर रखा था, हाँ देवर छोड़ा मोहल्ले वाले तंग करके रख लिए, ले अमृता वीडियो बनाई, जबकि दिल्ली में रह रही हूँ, गाँव में रह भी नहीं रही हूँ, उसके बावजूद ही मेरे मोहल्ले वालों को प्रॉब्लम है हमसे। और सामने मेरे इतने सगे बने रहते हैं, इतने भले बने रहते हैं मेरे से, मतलब अगर एक बात कहूँ तो एक बात की चार बात बोलते हैं मेरे ससुराल वालों के प्रति। अब उन्हीं से ससुराल वालों से ही मेरी चुगली करते, मेरी मतलब मेरी चुगली ससुराल वालों से करते हैं और ससुराल वालों की चुगली मेरे से करते हैं, ये कोई बात है। और जो ये वीडियो देख रहे हो मेरे मोहल्ले वाले पड़ोसी जो चुगली करते हैं, वो समझ लें कि उन्हीं के बारे में
वो समझ ली कि उन्हीं के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, उन्हीं के बारे में ही बोल रही हूँ जो मेरी चुगली करते हैं, उन्हीं के बारे में मैं बोल रही हूँ। और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो किसी से नंबर, मेरा मोबाइल नंबर लेके मेरे पास कॉल करें कि क्या प्रॉब्लम है उनको जो मेरी चुगली करते फिर रहे हैं कि अमृता वीडियो बना रही है। हमको समझ में नहीं आती क्यों मेरे पीछे कोई पड़े रहते, मतलब हम सोचते हैं कि चलो किसी से मतलब ना रखें, किसी को कुछ ना करें, सबको इग्नोर करते रहे, किसी को कितना भी इग्नोर कर दो, इग्नोर करते रहो ना तो और पागल समझती। इतने दिन से 5 साल से इग्नोर ही तो सबको कर रही हूँ, फिर भी पागल समझ रखा है, इग्नोर कर दो पागल समझते हैं कि पागल है अमृता, पागल है, उसको बोलते रहो पागल समझ रखा है, ना बोलो तो भी आफत है, बोलो तो भी आफत है। अब तो मैंने सोच ही लिया कि अब मेरे को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, जो मेरे को बोलेगा ना मैं उसको मुंह पे ही जवाब दूंगी, और जिसकी ताकत हो हिम्मत हो तो मेरे मुंह पे बोले, मेरे सामने बोले। बहुत दिन तक मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त करने से ना इंसान पागल समझता है, और बर्दाश्त जब तक करती है ना तो उसको पागल समझने लगता है, जहाँ वो जवाब देने लगती है ना तो सामने वाले का मुँह शांत हो जाता है, सामने वाला ही मुँह अपना बंद कर लेगा। इसलिए ना अब बोले जिसको बोलना है बोले, मेरे मुँह पे बोले, बस यही सब बातें करनी थी। 4-5 दिन से मतलब मोबाइल चला नहीं रहे थे और काफ़ी सुनने को मिल रहा था, क्या नाम, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि क्या नाम है फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन करके बोल रहा है, कहीं कोई फ़ोन करके बोल रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि बीवी को समझा नहीं रहे, कहा वीडियो बना रही है, हर कोई बोलता रहता है। मेरी चचिया सास ने फ़ोन किया मेरे पास, मैं बोली दे रही हूँ, उन्होंने फ़ोन किया कि अमृता वीडियो बना रही हो क्या, वो सामने वाला मोहल्ले वाले ऐसे बोल रहे थे कि अमृता वीडियो बनाती है। मैंने कहा मैंने क्या गलत बना दिया वीडियो, इतना भी बोला मतलब जितनी भी वीडियो बनाई है बोला भी है, जो भी बात बोली मैंने कोई गलत नहीं बोली, सब बात सही बोली, अगर उसमें से एक भी बात गलत हो तो मेरे से बता दे, जो भी बात गलत बोली है कोई मेरे से बोल दे कि अमृता ने गलत बोली है, तो मान जाएगी कि हमने गलत बोली है। हिम्मत हो तो मेरे मुंह पे कह के दिखाए, अगर हम गलत हैं तो मेरे मुंह पे कह के दिखाए कि हमने गलत बात बोली है, बाकी सही बात तो हमें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल ही कि कोई मेरे को फालतू बोले, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। वैसे इंसान कमाना खाना, इंसान कमा रहा है अपना अपना कुछ कर रहा है, उसमें भी काफ़ी लोगों को दिक्कत है कि अब क्यों कमा खा क्यों रहे हैं, क्यों आराम से रह रहे हैं, उनको पता नहीं क्या जलन खाई जा रही है, पड़ोसियों को जलन खाई जा रही है। अभी तक ससुराल वाले का मुँह शांत कराया, उन्होंने कुछ कहीं ना, पहले ससुराल वाले बहुत ताने मार रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, जब उन्होंने मुँह बंद कर रखा तो पड़ोसियों का मुँह चालू हो गया, एक दूसरे से चुगली करने लगे, ले फलाने की बहू ऐसे बोल रही है, ऐसे वीडियो बना रही है, हाँ तो उनका का पड़ी जा रही, बना रहे हम कर रहे हैं उनका का पड़ी है। मतलब टेंशन देने वाले एक से एक पैदा ही हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं से टेंशन दे देते हैं। हमें लगता है तो मुझे तो लगता है मेरे घर परिवार वालों को तो मेरे ससुराल वालों को तो घर परिवार वालों को तो मोहल्ले वाले ही भड़काते हैं, इसी वजह से तो मेरे मोहल्ले वाले टंग बोला करते हैं। मजा ले कोई अपने बहू को मतलब इस तरह बोले जिस तरह मेरे ससुर लोगों ने मेरे को बोला था, मेरे जिठानी को बोलते हैं, मेरे सबको बोलते हैं, अब भुगत तो रहे हैं वैसा, अब कर दिया के जो बकवास करते थे जो सिखाते पढ़ाते थे अब बोल दिया के अब यही बोलेंगे जो अपने बहुरिया को बुला लो जाके बहुरिया लड़का बहू आए सेवा करें आके लड़का बहू इलाज करवाएं जाके, अब कौन इलाज कराने खातिर नहीं दिखेगा, सेवा करने खातिर नहीं दिखेगा, वैसे सिखाने फोड़ने के लिए सबको ही दिख जाता था भड़काने के लिए, अब कोई ना दिखेगा। जो वीडियो देख रहा है सुन रहा है मोहल्ले वाला मेरे पड़ोस का, तो ये समझ लो जो चुगली करता है सिखाता है उसी के लिए बोल रही हूँ, ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाई है। लेकिन फिलहाल मैंने बोला कि अपने यूट्यूब फ्रेंडों को जितने को जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ कि मेरा मोबाइल सुधर गया है, सही हो गया है, और अब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, और कल से मैं अच्छी सी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, कल कोई नई वीडियो लाऊँगी। आज लेकिन थोड़ा पड़ोसियों को सुना दूँ अच्छे से जो मेरे को बोलते हैं, तो जिन जो ज़्यादा बोल रहे हैं ना तो मेरे मुँह पर बोल दें आकर, फ़ोन करके बोल दें आके, उन्हीं के लिए वीडियो बनाई है। अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने पापा को देखने के लिए, उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है, तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ससुराल में देखने के लिए पापा को कि पापा कैसे हैं, तबीयत कंडीशन उनकी कैसी है। तो अभी ससुराल वालों अभी मेरे मोहल्ले वाले पड़ोसी उनको भी सिखाएंगे तुम्हारी बहू वीडियो बना रही है, उसको समझाते क्यों नहीं है, हो उसको डांटो मारो ऐसा करो वैसा करो, भी समझाएं सिखाए फोड़ेंगे, मुझे पता है ना सिखाएंगे फोड़ेंगे। अब देख रही हूँ कौन सिखा रहा है कौन बोल रहा है। आज के लिए इतनी वीडियो, मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं कि कल मैं एक मिल रही अच्छी वीडियो के साथ, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं मुझको,
ठीक है, बाय। सभी फ्रेंडों की मेरी तरफ से बाय, नमस्कार, राधे राधे।